नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। इस साल के आईपीएल का मेगा ऑप्शन 12 और 13 फरवरी को होगा और इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के खिलाड़ियों की नीलामी की लिस्ट जारी हो गई है। इस बार कुल 590 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। इस बार आईपीएल की नीलामी 2 दिन चलेगी। बेंगलुरु में खिलाड़ियों की नीलामी होगी। यह आईपीएल का 15वां सीजन होगा और क्रिकेट की दुनिया के कई बड़े सितारे इस अहम टूर्नामेंट में भाग लेंगे। मंगलवार को बीसीसीआई ने 590 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है जो ऑप्शन का हिस्सा होंगे। उसमें से 228 कैप्ड खिलाड़ी होंगे और 355 अनकैप्ड खिलाड़ी होंगे। 7 खिलाड़ी एसोसिएट देशों से भी संबंधित हैं। 2 दिन तक चलने वाले इस मेगा ऑप्शन में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। कुल 10 फ्रेंचाइजी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स और अहमदाबाद की टीम इसमें शामिल होंगी। 2 करोड़ के बेस प्राइस में 48 खिलाड़ियों ने खुद को रखा है। वहीं 20 खिलाड़ियों ने खुद को 1.5 करोड़ के बेस प्राइस में रखा है। अगर 1 करोड़ के बेस प्राइस की बात की जाए तो इस लिस्ट में 34 खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। साल 2018 के बाद आईपीएल का पहला बड़ा ऑप्शन होने जा रहा है। आईपीएल 2018 के मेगा ऑप्शन में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस बार 10 टीमें ऑप्शन में हिस्सा लेंगी। 10 टीमों ने मिलकर 33 खिलाड़ियों पर कुल 338 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए हैं। आईपीएल 2022 के लिए 33 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है। 8 टीमों ने 27 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। वहीं 2 नई टीमों ने 6 खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ जोड़ लिया है। केएल राहुल को लखनऊ ने 17 करोड़ रुपए में अपनी टीम के साथ जोड़ा है। एक टीम में ज़्यादा से ज़्यादा 25 खिलाड़ियों को खरीदा जा सकता है, जिसमें विदेशी खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 8 खिलाड़ी होगी। 10 टीमों ने 33 खिलाड़ियों को रिटेन या ड्राफ्ट किया है, यानी नीलामी में अधिकतम 217 खिलाड़ी ही अब बिक सकते हैं। एक फ्रेंचाइजी कुल पर्स वैल्यू 90 करोड़ रुपए है, यानी कोई भी टीम खिलाड़ी खरीदने में 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा नहीं कर सकती है। यानी अब लिस्ट भी जारी हो चुकी है और तारीख का ऐलान भी हो चुका है। अब इंतज़ार है तो सिर्फ मेगा ऑप्शन का। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।